इससे भी ज्यादा अनमोल हीरे जवाहरात निकाह के वक्त पेश किए जाएंगे। फिल वक्त ये तमाम हीरे मोती शहजादी गुलबशाह पर से सदका उतार कर फकीरों में बांट दिए जाएं। फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? ये नायाब हीरे मोती तो शहंशाहों को भी नसीब नहीं, इन्हें फकीरों में बांट देने का हौसला हम में नहीं है। ये हमारे खजाने में जमा होंगे। हम ऐलान फरमाते हैं कि आइंदा 27 जमादिल अव्वल बरोज जुमा बाद नमाज असर शहजादा अलादीन का निकाह शहजादी गुलफसा से कर दिया जाएगा। निकाह की तारीख मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। क्या आपको कबूल है? कबूल है। बादशाह वावाहन हंस अहमद जमरूद चंगेजी, ताजदार नखलिस्तान की दुख्तर बुलंद अख्तर शहजादी गुल अफशां, आपका निकाह शहजादा गुलिस्तान शाह अलादीन जहांबानी बिन शाह मोहुद्दीन मरहूम से बेलेवज 1 करोड़ लालाओ गहरो जवाहरात और 50 लाख अशरफियां जरे सुर्ख 2 गवाहों की मौजूदगी में महर मुअज्जल किया गया है। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। शाह सलामत मुबारक हो। या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मोहब्बत तस्लीम कायनाती जिंदगी तस्लीम। सुभान अल्लाह, लगता है आज कायनात का तमाम हुस्न सिमट कर गुलफशां बन गया। रंग खुशबू सबा निदा जिया किरण चांद तारे सब मिलकर बन गए हैं तेरे हुस्न के नजारे। नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मैं हसीन नजर आ रही हूं।
खिदमतगार हैं और इन सब की ये खवातीन भी हमारे साथ हज के लिए जा रही हैं। लेकिन जब तक आप खैरियत से वापस नहीं आ जाती मुझे फिक्र ही रहेगी। तू डर रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं? खुदा के लिए ऐसा ना कहो अम्मा जान। बेटे, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कितना ही आप जिंदा रहें आखिर एक दिन मरना है, और जिससे चाहे जितनी मोहब्बत करें आखिर एक दिन बिछड़ना है। चलिए, अल्लाह हम सब का हज कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर। ये बता, अरे नजूमी परी जेबा सीमी शाहीन, ये बता कि अब मैं वो जादुई चिराग, शहंशाह जिन्नात, कयामत जिन वाला जादुई चिराग कैसे हासिल कर सकता हूँ? हाँ, अलादीन तो मर चुका है। मर चुका है? अलादीन मर चुका है? हंस क्यों रही है गुस्ताख परी जेबा शाही? यकीन कर, यकीन कर, वो वाकई मर चुका है। और तू यकीन कर कि वो वाकई जिंदा है। हाँ जादूगर, वो जिंदा है। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। वो जिंदा कैसे रह सकता है? किसने बचाया उसे? किसने बचाया? ये मुझसे नहीं, अल्लाह से पूछ। अरे वो इंसान कैसे मर सकता है जिसके साथ उसकी माँ की दुआएं हो, जिसके बाजू पर इमाम जामीन हो, जिसके गले में पीरे कामिल फकीर का तावीज हो, जिसकी जुबान पर अल्लाह का नाम उसका कलाम हो। वो इंसान कैसे मर सकता है? वो जिंदा है जादूगर, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उसे मौत की गुफा में दफन किया है, फिर वो कैसे बच सकता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नहीं, वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैं जादूगर जिंगालू जुंगला हूँ। जब से दुनिया बनी है तब से नेकी और बदी, ये दो ताकतें आपस में टकरा रही हैं। कभी नेकी की जीत होती है तो कभी शैतान के बदी की, और वो शैतान मेरे कब्जे में है। बेवकूफ या अकलमंद इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, मगरूर या जालिम क्यों ना हो जाए, लेकिन वो खुदा की खुदाई के सामने एक बेबस लाचार कीड़े की तरह होता है। अगर खुदा जरा जमीन हिला दे तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, सर उठाए ये आसमान से बातें करने वाले महलों मकान पल भर में मिट्टी के ढेर में मिल जाए। वो जरा आंधी को इशारा कर दे तो मकान और इंसान तिनके की तरह उड़ जाए। वो बारिश और तूफान को हुक्म दे दे तो सारी दुनिया उसमें डूब जाए। जब गुनाह और जुल्म बढ़ जाते हैं, लोग खुदा, उसकी कुदरत, उसका कानून और इंसाफ को भूल जाते हैं, तो अजाब इलाही नाजिल होता है, तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सजा देने के लिए
सजा देने के लिए बीमारियां मौत बनकर बस्तियों को निगल जाती हैं। बुरों की सोहबत में अच्छे भी पिस जाते हैं। जालिम, गुनहगार, कातिल, बेरहम और पत्थर दिल इंसान हमेशा के लिए मिट जाते हैं। खामोश, खामोश, खामोश। मुझे खुदा के इंसाफ से डराने वाली जेबा परीशाहीन, खामोश हो जा। तू मुझे खामोश कर सकता है, लेकिन खुदा की आवाज को कभी खामोश नहीं कर सकता। वो हमेशा गूंजती रहेगी। सिर्फ ये बता, अगर अलादीन जिंदा है तो वो जादुई चिराग कहाँ है? बता, वो जादुई चिराग कहाँ है? बता। जादू चिराग, शहजादा अलाउद्दीन की सल्तनत गुलिस्तान के शीश महल में रखा हुआ है। मेरे जादुई चिराग की बदौलत वो गरीब मजदूर अलाउद्दीन सल्तनत गुलिस्तान का शहजादा बन गया हाँ? और शीश महल में रहता है हाँ? मैं उस शीश महल में से वो जादुई चिराग हासिल कर लूंगा। हाँ। शेर के शिकार में आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी साथ चलती तो अच्छा था। हम जरूर चलते, लेकिन अब्बा हुजूर और वजीर आजम आइंदा हफ्ते यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमारा महल में रुकना जरूरी है। आप शिकार से जल्दी आइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अपने घर को महल बनाओ, महल को खूब सजाओ। सुनो ऐ महलों में रहने वालों, नए चिराग लो, पुराने चिराग दो। जल्दी करो, ऐसे चिराग फिर नहीं मिलेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। रुको रुको रुको, सबको मिलेगा। अरे भाई रुको तो सही, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। नया चिराग मिलेगा, खूबसूरत चिराग मिलेगा। इसके जलते ही किस्मत जगमगा जाएगी। और महल वाले शहजादे लेंगे तो क्या होगा? तो शहजादे सुल्तान बन जाएंगे, सुल्तान बादशाह और बादशाह शहंशाह बन जाएंगे। हाँ, मालिके जमीन और आसमां कहलाएंगे। अरे बुजुर्ग चिरागी सौदागर, हाँ ये जो तू सौदेबाजी कर रहा है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? ये पागलपन नहीं है, ये शौक है अपना अपना। किसी को लुटाने का शौक होता है तो किसी को लूटने का शौक होता है। जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसे चिराग फिर नहीं मिलेंगे। हाँ देखो देखो, कितने खूबसूरत चिराग हैं ये। ये क्या तमाशा है? कैसा शोरगुल है नायाब नजर? क्या बताऊं हुजूर, वाकई कोई बहुत ही बेवकूफ आदमी है। बच्चे और औरतें भी उसे बेवकूफ बना रही हैं। कहीं वो बेवकूफ बनकर लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? नहीं हुजूर, ये उसकी बेवकूफी नहीं तो और क्या है कि मैले पुराने खराब चिराग ले रहा है और नए चिराग दे रहा है। पागल है। वो कहता है कि ये उसका पागलपन नहीं, शौक है। सच है हुजूर, अपना अपना शौक है, किसी को बर्बाद होने का भी शौक होता है। पर हुजूर, ये कनीज आपको एक कीमती राय देना चाहती है। फिर क्यों ना हम वो पुराना चिराग जो कि महल के तहखाने में रखा हुआ है, उस बदसूरत चिराग को हम दे दें, और क्यों ना हम खूबसूरत चिराग ले लें? हाँ नायाब नजर, तुमने बहुत ही कीमती और अच्छी राय दी है। वाकई तुम बहुत समझदार हो। जाओ वो चिराग देकर एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत चिराग लेकर आना, ऐसा हो कि बस हमारे शौहर सरताज उसे देखते ही खुश हो जाएं और उनकी तबीयत बाग बाग हो जाए। कनीज वो पुराना चिराग देकर नया चिराग लाती है हुजूर। Alif Layla, Alif Layla, Alif Layla.